2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लंबे समय से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपसी तकरार के चलते गहलोत सरकार एक बार तो राजस्थान में गिरते गिरते बच गई है, परंतु पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। पायलट भी मौके पर चौका मारने के इंतजार में बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ सुषमा चौधरी। सचिन पायलट और गहलोत की आपसी सुलह के बाद अब कांग्रेस सरकार ने राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बिहार चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर बनाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्टार कैंपेनर बनने के बावजूद भी गहलोत बिहार चुनाव में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे। जी हाँ, अशोक गहलोत को अब राजस्थान से दूर होना खतरे से खाली नहीं लग रहा है और इसकी वजह राजस्थान में लंबे समय से चला सियासी संग्राम भी हो सकता है। हालांकि अशोक गहलोत ने इसका कारण अपनी खराब तबीयत को बताया है और वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट की बात की जाए तो नवरात्रों के बाद बिहार चुनाव में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह साबित कर दिया है कि पार्टी में उनका दबदबा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। टिकट बंटवारे में वसुंधरा राजे को किनारे करके सतीश पूनिया ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है और यह बात भी आईने की तरह साफ है कि आगे भी सतीश पूनिया ही टिकट बंटवारा करेंगे। अब देखना यह है कि राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा या फिर वसुंधरा ने कोई नई रणनीति सोच रखी है। इसके साथ ही ये भी गौर करने वाली बात है कि सब कुछ अशोक गहलोत के हाथ में होने के बावजूद भी सचिन पायलट से अशोक गहलोत इतना डरे हुए हैं कि वो राजस्थान छोड़कर देश के सबसे बड़े बिहार चुनाव में भी जाना नहीं चाहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद।